जाना तो उसे जा सकता है जो सीमित हो, जो असीमित है उसे कैसे जान पाओगे आप? भगवान राम असीमित हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके उदर में समाये हुए हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर को इस मन बुद्धि से कैसे जाना जा सकता है? राम स्वरूप तुम्हार अकथ अगोचर बुद्धि पर, जो बुद्धि मन और विवेक से भी परे हैं, उन भगवान प्रभु राम को हम अपने इन इंद्रियों में कैसे बांध सकते हैं, इन इंद्रियों से कैसे जान सकते हैं? राम को तो जानने के लिए राम की भक्ति, राम पे मन, राम पर समर्पण होना चाहिए, और यह तभी आएगा। बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के कैसे भक्ति उत्पन्न होगी? और जब भक्ति उत्पन्न होगी तो प्रेम उत्पन्न होगा, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, वह प्रेम में भक्त के पास स्वयं चले जाते हैं, भक्त को जानने की जरूरत नहीं है, भक्त को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान तो प्रेम में सारी मर्यादाओं को भी तोड़ देते हैं। वह प्रभु श्री राम वर्णाश्रम से बंधे हुए थे, और वर्णाश्रम की व्याख्या वेदों में भी आई है। वर्णाश्रम के नियमों को ताक पर रख दिया, किसके लिए? प्रेम के लिए। माता सबरी के प्रेम में उसके झूठे बेर खाने लगे, वो है हमारे प्रभु श्री राम का। भगवान राम का प्रेम देखो कि बंदर पेड़ के ऊपर बैठते हैं और प्रभु श्री राम नीचे बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं, और कभी बंदरों से नहीं कहते हैं कि तुम ऊपर क्यों चढ़े हो, ये प्रेम है बंदरों का। तो भगवान राम तो प्रेम के अधीन है। भगवान राम को प्रेम से केवल महसूस कर सकते हो, आभास कर सकते हो। वो जानने के लिए केवल राम पे भरोस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति राम का ही सेवक है, राम का ही काम कर रहा है और राम को ही चाह रहा है। लेकिन अगर जो राम से विमुख है, राम को नहीं जान पा रहा, तो ये उसके मति की भ्रांति है, वो माया के मोह में फंसा हुआ है। कोई भी नास्तिक हो उससे पूछो आप, कोई जीव जंतु हो, किसी को भी आप देख लो, वो संसार में जीवन पा करके, देह पा करके केवल आनंद ही ढूंढते हैं, और आनंद तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे। आनंद तो भगवान का ही स्वरूप है, राम का ही स्वरूप है, और जो व्यक्ति राम को चाह रहा है वो आनंद को चाह रहा है, जो आनंद को चाह रहा है वो राम को चाह रहा है। इसमें भेद कहाँ है? आप आनंद ढूंढ रहे हैं, राम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप आनंद को, तो ये भ्रांति का पर्दा पड़ा हुआ है। आनंद भी दो तरीके का होता है, आनंद एक विवेकपूर्ण होता है, और एक आनंद आप भ्रांति से आकर के, भ्रम में आकर के आनंद खोज रहे हैं। जैसे कुत्ते को सूखे हड्डी में आनंद मिल रहा है, वो उसकी भ्रांति है, क्योंकि हड्डी से निकलने वाला खून हड्डी से नहीं निकल रहा है, कुत्ते के मुख से निकल रहा है, लेकिन कुत्ते को लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है। अब कोई ज्ञानी जन अगर उस हड्डी को कुत्ते से छीनना भी चाहे, हटाना भी चाहे, तो कुत्ते को लगता है कि इस हड्डी को लेकर के भाग जाएगा, हड्डी उसको उसकी छीनने आ रहा है, इसलिए वह हड्डी लेकर के फिर चला जाता है, और उस हड्डी के माध्यम से अपना ही खून पीता है, लेकिन उसको उस हड्डी से लगता है कि खून आ रहा, उसको आनंद आ रहा है, ये भ्रांति है। तो ऐसे ही लोग आनंद तो ढूंढ रहे हैं, आनंद को चाह रहे हैं, लेकिन राम से विमुख हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? भगवान राम तो जिसको जना देते हैं वही राम को जान पाता है, सबके बस की बात नहीं। नेति नेति निगम कहा, जिसको वेद भी नेति नेति कह करके हाथ खड़ा कर लेते हैं, उसे हम सब कैसे जान सकते हैं? लेकिन भगवान राम अगर चाह लें तो सो जानहि जेहि देहि जनाहि, जिसे भगवान जनाना चाहे वो सब कुछ जान जाता है। भगवान राम तो प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम घर में रहो और माता पिता की सेवा करो, राज काज करो। लेकिन लक्ष्मण ने भगवान की बात नहीं मानी, और भगवान राम ने अपने वचनों को वापस ले लिया, और लक्ष्मण को भी साथ ले लिया, माता सीता जी ने भी बात नहीं मानी, उनको भी साथ ले लिया, और पहुंच गए जंगल में। तो भगवान राम तो अपने वचनों से भी मुकर जाते हैं, वो मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। अगर भक्त उनके प्रेम में है, और भक्त कैसा होना चाहिए उनका, उनके प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए,
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। जो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के प्रीत में, जो लोग अपना घर बार परिवार सब छोड़ करके, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी चिंता ही छोड़ दो, उनके सेवा करते रहो, सेवा करना उनका काम है, लेकिन चिंतन करना और अपना मानना ये अपने नहीं है, ये तो इस देह के अपने हैं, इस आत्मा के अपने तो भगवान ही है, परम ब्रह्म ही है। तो उस आत्मा के अपने को भी तो जाने, देह के अपने को जान जाते हैं लेकिन आत्मा के अपने को नहीं जान पाते, तो इनकी सेवा सत्कार और इनकी जैसी उचित व्यवस्थाएं हैं, इस सांसारिक बंधन के जो संबंध हैं उनकी भी देख रेख और उनकी उचित व्यवस्था और उनके उचित जो भी कार्य है करते हुए उस अपने आत्मा के संबंध को भी जाने कि इस आत्मा का संबंध उस परम ब्रह्म से है। आप उस संबंध को भूल जाते हैं, आप कपड़ा पहनना नहीं भूलते, आप खाना खाना नहीं भूलते, आप बहुत सारे जो भौतिक चीज हैं, इस देह की से जुड़ी चीजें हैं उनको नहीं भूलते, लेकिन आत्मा से जुड़ी चीजों को, जहां से आत्मा का संबंध है उसे भूल जाते हैं और भगवान राम को जानना चाहते हैं। राम तो आपके हृदय में हर प्रेरक रघुनाथ है, राम तो आपके उर्मी प्रेरणा देने वाले, हृदय में निवास करते हैं। राम सकल मन की गति जानी, जो सबके मनों की गति जानते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन कभी आपने अपने हृदय में राम को देखा ही नहीं, झांका ही नहीं, और राम को जानने के लिए आप परेशान रहते हैं कि राम कहां है, कैसे है, दिखाओ, कैसे दिखाया जाए।